वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं अपने शॉप में हूँ और काफ़ी टाइम के बाद, मतलब मैं आपको, मैंने एक पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मेरा थोड़ा डीप फ्रिज की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो फाइनली सही हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम क्या प्रॉब्लम चल रही थी मेरे फ्रिज में, जिस वजह से ना मेरा थोड़ा काम की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 4-5 दिन से। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अपने डीप फ्रिज में क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे ना, यहाँ से वायर कटिंग हो गई थी और इसके नीचे से ना चूहा घुस गया था, यहाँ काट दी थी उसने। तो उसके यहाँ मेरा काफ़ी कूलिंग प्रॉब्लम चल रही थी उसकी, और जैसे ये फ्रिज उस टाइम काफ़ी ठंडा वंडा कुछ नहीं हो रहा था और मतलब काफ़ी दिक्कत थी। अब तो काफ़ी सही हो गया है। और इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा कि मतलब फ्रिज में कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मतलब कैसे सही कर सकते हो। और मैंने जो मैकेनिक ठीक है यार, सही है। मैं मैकेनिक बुलाया है, वो मैंने पौड़ी से बुलाया था। उन भाइयों का रिस्पांस अच्छा था, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। मैं उनका नंबर आपको ना डाल दूंगा, ठीक है। और उनकी लोकेशन पौड़ी में है। पौड़ी में क्या है कि वो घंडियाल, उनकी लोकेशन घंडियाल से लेके सतपुली तक है। और टोटल जैसे आपका बूबा खाल हो गया, बूबा खाल के साइड जितने भी गाँव आ रहे हैं उस लोकेशन, मतलब 30-40 किलोमीटर के एरिए में कवर करते हैं। और उनका काम भी अच्छा था और मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि वो उनका काम कैसे कैसे चला। उनका 2-1.5 घंटे का काम था पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। और वो आए भी थे मेरे को, एक ही कॉल में उन्होंने ना मेरे को रिस्पॉन्स दी कि ठीक है हम आ रहे हैं। अब उनको पूछा उन्होंने मुझे कि आपके उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही, क्या क्या नहीं हो रही। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को अच्छा काम करके दिया, मेरे को भी अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मशीनों की, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई यार, ये फ्रिज का हो गया, जैसे मेरा प्रॉब्लम हुई थी। तो वैसे मैं ये ब्लॉग इस बहाने बना रहा हूँ, जैसे किसी भी, मतलब मेरे लोकेशन में किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे इस नंबर पे देख के उनको कॉल करके बुला सकता है अपने यहाँ। तो काफ़ी अच्छा रेट था उनका। तो मैं आपको मिलता हूँ और इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि उनका किस हिसाब से काम था, किस हिसाब से तार कटिंग की उन्होंने। और मैं 3-4 दिन तक थोड़ा इसका रिस्पांस देख रहा था फ्रिज का कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है या ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं तभी वीडियो बना पाता। तो उनका काम अच्छा था तो उसी बहाने में थोड़ा संतुष्ट हूँ मैं उस बहाने। तो उस बहाने मैंने काम कर लिया और इस बहाने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आपको पता लग जाए कि जो भी फ्रिज का कुछ काम होता है तो आप ना इस नंबर पर आके उनको बुला सकते हैं। मतलब 30-40 किलोमीटर के दायरे पर ना आ जाते हैं आराम से और अच्छा पैसा लेते हैं, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आदमी अफोर्ड कर सकता है उस चीज़ को। ओके, आप वीडियो को बने रहेगा। अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।